हवलदार का बेटा हुआ तो रहूंगा। अच्छा चुपिए ना, उतर आऊंगा, मेरा हाथ पकड़ के खींचा। आज का 8 बजे का उतर होगा लड़की जो घर, नहीं तो तुमको अपना नाम जेल में डाल देंगे। निकाल बच्चा लड़की। दरोगा का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। काम लेकर के लंबा करके था। कौन कौन था नाम है? काम लेकर के था। कौन था ना? कौन था ना? उसका भाई था। आप देखने वाला कौन? हमको अच्छा तरीका तो पता है, हमको अच्छा तरीका तो पता है इसको काम देखने के लिए। अभी हमको सब मिल के मारने का कोशिश किया। कहाँ पर? तेजा टोला। कब आए हम आए भैया? अरे पहले रिलैक्स तो भैया, पानी लगाया का नहीं कहा भैया पता नहीं, हम तो वही पूछना चाह रहे हैं। नहीं बता रहे हैं। यही समाज हमको अभी क्या दे रहा। प्यार में धोखा खाने के बाद एक प्रेमिका ने बीच सड़क पर खूब बवाल किया। रो रो कर मोहल्ले के लोगों के सामने अपने प्रेमी की पोल खोलती रही। मामला बिहार के कटिहार जिले का है। बुधवार को प्रेमिका अपने प्रेमी के मोहल्ले पहुंच गई और इंसाफ की मांग करने लगी। सड़क पर रो रही प्रेमिका से लोगों ने पूरी बात जाननी चाही तो जब उसने बताया तो सभी लोग हैरान रह गए। लड़की का आरोप है कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया है। प्रेमी ने उसके साथ लाइफ जीने का वादा किया था लेकिन अब वह उससे इनकार कर रहा है। वहीं इस दौरान लोग उसे समझाते रहे लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। कई घंटों के बाद उसे वहां से हटाया गया। दरअसल लड़की सहायक थाना क्षेत्र के तेज टोला की रहने वाली है। उसका कहना है कि एक दिन उसे हवाई अड्डा चौक के रहने वाले युवक का मिस्ड कॉल आया और यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच लंबी बातचीत होने लगी और दोस्ती प्यार बदल गई। इसके बाद साथ जीने और मरने के वादे किए। 2 साल तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा लेकिन उसके बाद दोनों के रिश्ते में हताशा आने लगी। प्रेमिका का कहना है कि वह इसकी शिकायत लेकर पुलिस थाने भी गई थी लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी मदद नहीं की और उसे बेरंग वापस लौटना पड़ा। इससे नाराज होकर वह प्रेमी के घर के पास हवाई अड्डा चौराहे पर पहुंची और वहां बैठकर जमकर हंगामा काटने लगी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर यौन शोषण के भी आरोप लगाए हैं। उसका आरोप है कि प्रेमी का भाई पुलिस में है इसलिए वह हमेशा उसे धमकी देता रहता है। वहीं प्रेमी के परिजनों का कहना है कि लड़की झूठ बोल रही है, वह बदनाम करने का काम कर रही है, वह थाने में इसके खिलाफ केस करेंगे। हालांकि अभी तक पुलिस को दोनों तरफ से किसी भी तरह का कोई शिकायती आवेदन नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि अगर किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो वे इसकी जांच करेंगे और साथ ही कार्यवाही भी की जाएगी।